वेलकम बैक टू आवर प्लूटिस एकेडमी चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यूज लेकर आई हूँ इसके रिगार्डिंग कि हमारा एक स्टूडेंट है जो कि सिलेक्ट हुए हैं एज अ CRPF सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। अब हम इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, कैसे इनकी जर्नी रही हमारे साथ, ये इन्होंने हमने इन्हें क्या गाइडेंस प्रोवाइड करी, इसके बारे में आज हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। हम सभी ये जानते हैं SSC एंड बैंकिंग के जो एग्जाम्स हैं वो एवरी ईयर लैक ऑफ स्टूडेंट्स इसमें अपीयर करते हैं और काफ़ी सारे बच्चों के सपने होते हैं इस एग्ज़ाम को फुलफिल करें, इस एग्ज़ाम को क्लियर करें और इसमें अपना सपने को वो साकार कर सके। हमारे साथ हैं मिस्टर शशि भूषण जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं। हेलो जी, आप मुझे अपना थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। मैंने ग्रेजुएशन की थी इग्नू से और मैं एक्स सर्विस मैन हूँ। अप्रैल 2022 में रिटायर हुआ था और जुलाई 2022 का बैच जो है मैंने ये ज्वाइन किया था इधर। उसके बाद फिलहाल मैं करंट में अभी पोस्टल असिस्टेंट हूँ नोएडा। जी ओके, जैसे कि मैं अभी आपसे सेकंड क्वेश्चन पुट करना चाहती हूँ कि लोगों के लिए एक जो एग्ज़ाम होता है क्लियर करना वो ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि हमारा कोई भी एक एग्ज़ाम सिंगल ही निकल जाए, लेकिन आपकी मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्रैक हुआ, आपने SSC में पोस्टल असिस्टेंट में क्रैक किया, बैंक में आपने क्लर्क लेवल का किया और अभी रिसेंटली 2023 में आपने CRPF में एज अ पोस्ट में सब इंस्पेक्टर का क्लियर किया। तो आपकी सिलेक्शन जर्नी किस तरीके से रही, मतलब आपने किस तरीके से इतने सारे एग्ज़ाम्स मैम? एक तो टीचर्स की और फैकल्टी की अपनी गाइडेंस सही रही और दूसरा इसमें मैंने पहले बैंक का किया, बैंक की मैंने जो स्टडी की उसके बाद जैसे ही बीच में कुछ एक SSC क्लासेस चलती थी वो भी अटेंड की मैंने, मतलब मैम की सैटरडे वगैरह कुछ टीचर वगैरह बुला लेते थे। तो बाकी टीचरों का गाइडेंस जैसे मोहित सर हो गए, आशीष सर और ये रीजनिंग वाले आशीष सर, खान सर थे इसके अपना मैथ के, इन सब की गाइडेंस से मतलब हमें और तो कुछ नहीं, स्ट्रेटेजी हर स्टूडेंट की अपनी अपनी होती है लेकिन जो टीचर हमें बताते हैं कि मतलब तुम जिस हिसाब से, अगर हम टीचर के बोलने पर ही चल लेंगे ना कि जैसे वो बताते हैं हमें लगता है कि वो बता रहे हैं उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको हम करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे करना शुरू कर देंगे तो हमारा अपने आप वो जो लेवल है ना वो उसी हिसाब में पहुँच जाता है। शुरू में मेरे को भी डिफिकल्ट हुआ था कि कैसे करूँगा मैं, कैसे ये करूँगा, लेकिन बाद में जैसे ही मतलब उनकी रिदम पकड़ी मैंने और उनके हिसाब से चला तो मेरे को आसान लगने लगा और मेरे को लगा कि हाँ मैं करेक्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कंपटीशन लेवल बहुत टफ है, हमारा मतलब सिलेक्शन में बहुत कम चांसेस होते हैं, बट ये है कि हम अगर अपनी कंसिस्टेंसी किसी चीज़ को बना के रखें तो सिलेक्शन वो पक्का भी है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपना जो टिप्स एंड ट्रिक्स गाइडेंस जो प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है स्टूडेंट्स क्लास में बैठे रहते हैं, कुछ बहुत ब्रिलियंट भी होते हैं, कुछ एवरेज भी होते हैं, समटाइम्स क्या होता है बच्चे बहुत जल्दी जवाब भी दे देते हैं तो उनको लगता है हम कैसे इस लेवल पे चल पाएंगे, हम किस तरीके से सेलेक्ट हो पाएंगे, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? सबसे पहले ये मैम कि जैसे हेजिटेशन जो होती है बच्चों में वो मेरे में बहुत थी कि मैं, एक तो मेरे को ऐसा लगता था कि सभी वो बच्चे हैं और मतलब मैं इतना एज होने के बाद मैं कैसे क्वेश्चन पुट करूंगा इनके आगे ये वो, तो वो सबसे पहले हमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए किस चीज़ की। अगर पूछ रहे हैं फैकल्टी हमें हमेशा बताएंगे, अच्छे बताएंगे, कोई डॉट है हमें हमेशा पूछने चाहिए उनसे जी। और हम सोचते हैं कि इतनी सी क्लासरूम में अगर हम हेजिटेशन कर रहे हैं तो हमने तो पूरे ऑल लेवल इंडिया लेवल का एग्जाम क्रैक करना है, तो इसके लिए हमें हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है कभी पहले। और थोड़ी बहुत भी डॉट हो रहे हैं अगर तुम फैकल्टी से पूछोगे और ये चीज़ करोगे तो मेरे हिसाब से आपको हर चीज़ जो है क्लियर होगी। और टिप्स एंड तो वही है कि आप फैकल्टी के हिसाब से चलोगे, जो उस हिसाब से चलोगे तो होगा, क्लियर होगा सारा। आप मुझे ये बताइए कि आपने मतलब क्या चीज़ अपनी फॉलोअप रखी जब आपने ये अपने माइंड में रखा था कि मुझे अब एग्जाम देने हैं, गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी क्रैक करना है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही इसके रिगार्डिंग? मैम स्ट्रैटेजी एक तो आपको ये बताऊं कि हम स्टूडेंट, अगर मैं एज अ स्टूडेंट आता, मतलब एज अ स्टूडेंट ही हूं लेकिन मैं आया था एक्स सर्विसमैन क्योंकि मैंने खुद फीस पे की है कि जी बच्चों के माँ बाप फीस पे करते हैं जी, बच्चों को जरा भी टेंशन नहीं रहती कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, सबसे बेसिक चीज़ है ये। मुझे ये पता था कि मैंने अभी मेरे तो बच्चे भी हैं जी, मतलब एक्स सर्विस तो मेरे बच्चे भी हैं तो मुझे उनकी फीस का मेरे को वो टेंशन नहीं थी, मतलब मैं पढ़ाई कर रहा था एक अपने की आगे की लाइफ देख के। बच्चे हमेशा लापरवाही में ले जाते हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ अभी देखी नहीं होती आगे की लाइफ कैसी है, वो आगे वाले टीचर को भी सोचते हैं कि पता नहीं ये सही बता रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि वो सही बता रहे हैं, उन्होंने उस चीज़ से गुजर चुके हैं, उनके नीचे बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नौकरियाँ पा ली हैं तो उनको पता है हम उनके हिसाब से ही चलेंगे और उनके से ही चलेंगे। और थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ता है ये चीज़ों में कि आप जिस आपको बता रहे हैं, जिस हिसाब से पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं, गलत तो कोई नहीं बोलेगा, हर कोई चाहेगा कि मेरा जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं लगे, तो
टीचर को खुशी होगी, एकेडमी को उससे ज्यादा खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चीज होती है कि जो टीचर्स होते हैं वो कभी बुरे नहीं होते, इट इज जस्ट एज अ स्टूडेंट आपको चीजें हम मान लेते हैं एग्जैक्टली कि हमें अपनी चीजों को बिल्कुल फॉलो अप करके चलना है, टीचर्स की गाइडेंस जो हमें वो दे रहे हैं सब टीचर्स को इक्वली अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो चलिए, ये जो हमारे एक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ आज हमने कुछ बातें करें कि किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं हमारे ऊपर चीज़ों को लेकर। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।